बिस्मिल रह रहीम अब रूल ऑफ लॉजिक को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शो दैट पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज आर एंड पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर आर लॉजिकली इक्विवेलेंट तो हम इसमें एक पार्ट लेंगे पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज आर तो अब रूल ऑफ लॉज को यूज़ करके हमने इसको इक्वलेंट शो कराना है इसके दिस इज इक्वलेंट टू पी प्लाइज क्यों हम अब कंडीशनल लॉ को यूज़ करेंगे ये इक्वलेंट होता है निगेशन पी आर क्यू ये एंड अपनी जगह पे आएगा पी प्लाइज आर ये भी कंडीशन लॉ को हम यूज़ करेंगे तो ये इक्वलेंट है निगेशन पी आर आर तो हमने क्या यूज़ किया कंडीशनल ला अब यहाँ पे ये डिस्ट्रब्यूटर ला हमारे पास यूज़ हुआ है तो पहले मैं ज़रा आपको डिस्ट्रीब्यूटर ला समझाऊँगा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो ये रफर के नेगेशन पी आर क्यू एंड आर हो तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा निगेशन पी आर Q आएगा ब्रैकेट ये एंड इधर आएगा फिर निगेशन पी आर ये आ आएगा तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो इस को हम स्टेप को हम स्केप करेंगे तो यहाँ से दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी आर क्यू एंड आर तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला का रिवर्स हुआ है हमने क्या यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव ला तो अब हम दोबारा कंडीशनल ला को यूज करेंगे कंडीशनल ला हमारे पास क्या होता है कि अगर पी इंप्लाइज Q हो तो ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन पी आर क्यू के तो बिल्कुल सिमिलर अगर हमारे पास ये आ जाए निगेशन पी आर क्यू तो ये इक्वलेंट होगा पी एम्प्लाइज क्यू अब बिल्कुल एग्जैक्टली ये निगेशन पी है जिसका मतलब क्या होगा पी एम्प्लाइज क्यू एन आर हमने कौन सा ला यूज़ किया कंडीशनल ला और ये किसके इक्विलेंट है जो हमारा दूसरा साइड है यानी कि आर एच एस जो भी है ये इसके इक्वलेंट आ गया अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है शो देट पी इम्प्लाइज आर एंड क्यू एम्प्लाइज आर यानी ये एंड और यह आपस में क्या है इक्वलेंट है तो यहां भी हम पहले ये साइड लेंगे P एम्प्लाइज R एन Q एम्प्लाइज आर तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू अब यहाँ पे हम कंडीशनल ला यूज़ करेंगे पी इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट होगा निगेशन पी आर आर और यहाँ पे एंड अपनी जगह पे आएगा यहाँ ये क्यू इम्प्लाइज आर पे हम कंडीशनल ला को यूज़ करेंगे तो ये आएगा निगेशन क्यू आर आर हमने दोनों जगह पे क्या यूज़ किया कंडीशनल ला अब यहाँ पे आ, में मैं जरा कुछ रफ फ़र्क मैं समझाता हूँ ये रफ़ फ़र्क है डिस्ट्रीब्यूटिव ला हम कैसे यूज़ करेंगे ज़रा आप देखिएगा अगर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आर आर तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला के थ्रू ये किसके गुलेंट होगा निगेशन पी आर आर एंड निगेशन पी आर आर तो ये हमारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स है तो हम क्या यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये किसके इक्विवेलेंट होगा अभी मैंने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो ये इसके इक्विवेलेंट आएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आर आर अब डी मार्गन लॉ को हम यूज़ करेंगे यूज़ डिस्ट्रीब्यूटू ला अब डिमारगन ला क्या कहता है कि वो निगेशन आएगा पी आर क्यू के डिमार्गन ला क्या है निगेशन पी आर क्यू बराबर होता है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू डिमारगन ला हमने यूज किया अब दोबारा हम कंडीशन ला कंडीशन हम, ला हमारे पास क्या है अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो ये इक्वलेंट है निगेशन पी आर क्यू के तो अगर निगेशन पी आर क्यू हो तो वो इक्वलेंट होगा पी इम्प्लाइज क्यू के तो ये किसके इक्विलेंट आएगा पी आर क्यू दिस इज इक्विलेंट टू पी आर क्यू इम्प्लाइज आर ये इसके इक्वलेंट होगा हमने क्या यूज़ किया कंडीशनल La...